गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे फोर्थ चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बनने वाले यौगिकों को कार्बन यौगिक बोला जाता है और कार्बन यौगिक छह प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कार्बन यौगिक छह प्रकार के होते हैं, उनमें एक हाइड्रोकार्बन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होता है हेलो एल्केन्स। ये छह प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं, सॉरी कार्बनिक यौगिक हैं। तो उनमें जो सबसे पहला था हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन हमने शुरू कर लिया था। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन तथा हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है और वो दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, मतलब एक आबंध होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच दो या तीन आबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन है तो यहाँ पे ये कार्बन इस प्रकार से होगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे इनके बीच ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार भी हो सकता है। मतलब एकल आबंध को छोड़ के दो या तीन आबंध होंगे, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें दो या तीन आबंध होंगे कार्बन कार्बन के बीच। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हम पूरा पढ़ चुके थे, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनको एल्केन भी बोला जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनको एल्केन भी बोला जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला मतलब साधारण सूत्र क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, CnH2n+2, और इनका नोमेनक्लेचर नामकरण कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रि आबंध होंगे, जैसे ये मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे नाम इनका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, उनका नाम किस प्रकार से पड़ेगा, ये एक मैंने काउंटिंग आप लोगों को बताई थी 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक जो काउंटिंग आप जानते हो, तो साइंस में भी 1 से 10 तक ये समझ लो काउंटिंग है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये याद हो जाएगी तो आप लोगों को असंतृप्त और संतृप्त बनने वाले हाइड्रोकार्बन के नाम आसानी से पता चल जाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो दो प्रकार के होते हैं, ये एक होता है इनमें एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, एक एक करके दोनों को स्टडी कर लेते हैं। एल्कीन जो होता है इसका साधारण सूत्र होता है CnH2n, तो एल्कीन का साधारण सूत्र है CnH2n। n का मतलब क्या है, n वही है जैसा मैंने एल्केन में बताया था, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब अगर हम मान रखते हैं एक, अब एक रख के देखो C1H2 × 1, तो क्या सूत्र बनेगा, सूत्र बना भी इसमें CH2। जो जनरल फॉर्मूला मैंने एल्केन का बताया था वो बता रहा CnH2n+2, यहां मैंने बताया CH2। अब देखो एक बात याद रखना, उसने कहा एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके बीच कार्बन कार्बन में होगा द्वि आबंध, यहां क्या होगा द्वि आबंध इस प्रकार से, और जो एल्काइन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच होगा त्रि आबंध, ठीक है। मान लो एक लंबी श्रृंखला है इस प्रकार से लंबी श्रृंखला है, तो इसमें कहीं भी अगर तीन आबंध है तो हम इसको एल्काइन ही मानेंगे। ये मत समझना कि सभी कार्बनों के बीच में त्रि आबंध होना चाहिए तब ये एल्काइन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। दो कार्बन के बीच में कहीं भी अगर तीन आबंध है तो बनने वाला हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, एल्काइन होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला ये है, अगर हम यहाँ n का मान 1 रखते हैं तो ये निकल के आता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि
कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विआपन होता है। अब यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, इसका मतलब है एल्कीन में एक रखने पर जो आता है एल्कीन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना। मतलब जैसे मैंने बताया था एल्केन में एक मान रखा था तो आया था CH4 आया था, और ये पॉसिबल है क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है अभी चार, और इसके साथ चार हाइड्रोजन जुड़े थे इस प्रकार से, तो ये पॉसिबल है, ये बन सकता है, जिसका नाम पड़ा था मीथेन नाम पड़ा था, क्योंकि एल्केन में था तो पीछे एन लग जाएगा तो ये मीथेन था। अगर हम इसमें देखें, इसमें एक कार्बन का क्या यौगिक बनेगा? नहीं, इसमें एक कार्बन का यौगिक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखो इसमें CH2 ये निकल के आया, और कार्बन की संयोजकता होती है चार। अब इसमें ये चार इसके इलेक्ट्रॉन है, किसके? कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन है। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो हाइड्रोजन से तो साझेदारी कर ली, दो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, और इसका मतलब है ये तो असंतुष्ट है अभी भी। तो कहने का मतलब क्या है? CH2 ये पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। अगर हम बात करें दो, अगर हम N की जगह दो रखते हैं C2H2 × 2 C2H4, ये देखते हैं। अब इसने कहा कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच, ये तो सूत्र आ गया, किसका सूत्र? इसका नाम कैसे पड़ेगा वो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इनका सूत्र देख लें कि इनका सूत्र क्या आएगा। जो ये N का मान दो रखा तो C2H4 निकल के आया। अब ये होगा इसका भी सूत्र। अब इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में उसने कहा था कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विआपन होगा, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? दो ही है, तो द्विआपन ये लगा दिया हमने। अब इसमें हाइड्रोजन कितने? चार। इसकी संयोजकता अगर हम पूर्ण करते हैं तो इसकी संयोजकता कैसे होगी? 1 2 3 4 एक इसकी करते हैं तो 1 2 3 और 4 इस प्रकार से है। यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, ये होगी इसकी संरचना। किसकी संरचना? ये जो हमारे पास यौगिक आया है किसमें? एल्कीन में C2H4 ये यौगिक, इसका नाम क्या पड़ेगा? अब इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो ये काउंटिंग तो आप लोगों को याद हो गई होगी, या नहीं हुई तो ये याद करनी है। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, अब एल्कीन है और एल्कीन में जो दो वाला है तो ईथ है, काउंटिंग में दो है ना, या तो ईथ है। अब ये एल्कीन में अगर आप ईथ को यहां रखोगे तो नाम पड़ेगा ईथीन, ठीक है, ईथीन। मीथेन जो था, जैसे एल्केन में पड़ा था मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ही एल्कीन में नाम पड़ेगा मीथीन, ईथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार से। अब मीथीन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? एल्कीन में एक कार्बन वाला यौगिक वो नहीं होता, याद रखना। मतलब इसमें मीथीन नहीं होती, इसमें सबसे साधारण जो यौगिक बनेगा, इसमें एल्कीन में फर्स्ट जो कार्बनिक यौगिक बनता है, या सबसे साधारण यौगिक कह सकते हो, वो बनता है C2H4, और इसका नाम क्या है? ईथीन। IUPAC नेम है ये, IUPAC नेम। IUPAC का मतलब क्या है? देखो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब ये एक संस्था है जो ये नामकरण करती है किसका? कार्बनिक यौगिकों का। तो ईथीन सबसे साधारण एल्कीन है, इथीन। इसका IUPAC नेम इथीन है। IUPAC नेम का मतलब अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यौगिक होते हैं उन सब को एक नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नाम देने वाली संस्था कौन सी है? IUPAC। तो IUPAC नेम ये समझ लो कि एक तरह से साइंटिफिक नेम है, और एक होता है इनका साधारण नाम, जैसे बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक जीव का एक साइंटिफिक नेम है और एक साधारण नाम भी होता है। जैसे मैं आम की बात करूं तो आम का मेंजीफेरा इंडिका एक उसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन आम जो साधारण नाम है। तो ऐसे ही जैसे इथीन है, इसका IUPAC नेम ये IUPAC नेम ही है, अगर इसका साधारण नाम अगर हम बोलें तो इसको साधारण, इसका साधारण नाम होता है इथाइलीन, ठीक है। ये कब आया? जब हमने N का मान दो रखा था तो इथीन इसका नाम पड़ा, मीथीन पॉसिबल नहीं है। अगर हम N का मान तीन रखते हैं CN
H2N, इसमें N का मान 3 रखे, C3 हो जाएगा, H2 into 3 हो जाएगा, C3H6, ठीक है, C3H6, ये तो हो गया इसका भी सूत्र। इसकी संरचना देखें हम, संरचना में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ये एल्कीन का मेंबर है, एल्कीन का है तो कार्बन कार्बन के बीच, कोई दो कार्बन के बीच द्विआवर्त आएंगे, तो है कार्बन कितने 3, तो ये हमने 3 कार्बन पहले बना लेंगे, लिख लिया ऐसे 3 कार्बन की चेन, क्योंकि हमें यही देखना है कि कार्बन कितने हैं। अब इनके किसी दो के बीच द्विआवर्त लगा दिया, ये लगा दिया, अब इसकी संयोजकता को पूरी करो, कार्बन की जो संयोजकता है 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए हो गया, इस कार्बन को देखो 1 2 3 और एक हो गया 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, ये इस प्रकार से इसकी संयोजकता हो गई पूर्ण। अब सभी पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हाइड्रोजन लगा दिए हमने सभी पे, तो ये किसकी संरचना बन गई, ये बन गई C3H6 की संरचना, C3H6, देखो हाइड्रोजन 6 है, काउंट करके देख लेना। अगर आप लोग कार्बन की संयोजकता को सही तरीके से पूरी करते हो तो समझ लेना संरचना ठीक बनेगी। तो बस कार्बन की संयोजकता आप लोग देख लेना कि कार्बन की संयोजकता जो 4 है वो पूर्ण होनी चाहिए, तो संरचना आ जाएगी। अब ये इसकी संरचना बन गई है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि ये संरचना किस प्रकार बनी है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से अगर हम देखना चाहें कि ये किस प्रकार बना होगा, तो हम देखते हैं, देखो इसमें 3 कार्बन है, ये कार्बन लिख दिया, हम प्रत्येक की बिंदु संरचना बनाएंगे, इसके 4 कार्बन है, नहीं इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, या ये यहाँ पे लिख लो 2 को, 1 2 3 4, इसके भी 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, इसके 1 2 3 और 4, ये 4 इसके हैं। ये होगी भी बिंदु संरचना किसकी, कार्बन की, किसमें जो ये 3 एन की जगह हमने जो 3 रख के संरचना निकाली थी उसमें ये कार्बन की बिंदु संरचना हो गई, और जब हमने एन का मान 3 रखा तो जो यौगिक निकल के आएगा उसका नाम क्या पड़ेगा, देखो यहाँ से ले सकते हो, प्रोपीन नाम पड़ेगा, क्योंकि एल्कीन में है तो प्रोपीन, अगर ये एल्कीन में होता तो नाम पड़ता प्रोपेन, प्रोपेन, तो यहाँ पड़ेगा प्रोपीन। तो अब इस ये संरचना कैसे बनी है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि कार्बन क्या बनाता है, सहसंयोजी आवर्त बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इसको आपने, इसके पास 4 है, इसको 4 और चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन की ये बिंदु संरचना है, ये हाइड्रोजन की बिंदु संरचना है, स्टार से मैंने दिखाया है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, अब इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को चाहिए क्या, इसको चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ये पूरी कर लेगा, इस प्रकार से ये यहां से पूरी कर लेगा, और जो ये 2 है, अब कार्बन कहां से पूरी करेगा, एक तो ये इसका लेगा, ये इसका लेगा, 2 इसके लेगा, तो इस प्रकार ये ऐसे करेगा, ये तो इस कार्बन की बात हुई, ठीक है। अब यहां भी हाइड्रोजन है, इसकी ये बिंदु संरचना हो गई, यहां हाइड्रोजन है बिंदु संरचना, यहां हाइड्रोजन है इसकी बिंदु संरचना, ये हाइड्रोजन है इसकी बिंदु संरचना हो गई है। अब ये जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो बीच वाले कार्बन की हमने देखा, अब इसके 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको और चाहिए, तो कहां से लेगा, ये एक इसका लेगा भाई, एक इस कार्बन का लेगा और 2 इस कार्बन से लेगा, तो इसकी कैसे करेगा, ये इस प्रकार से अपनी संयोजकता को पूर्ण करेगा, ये हाइड्रोजन है, ये कैसे करेगा, ये इस प्रकार से करेगा, ऐसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन इस प्रकार, ये हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, और ये कार्बन जो था ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से पूर्ण कर लेगा। सभी इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन यौगिक और सभी हाइड्रोजन जो होते हैं वो सभी अपनी संयोजकता को पूरा करेंगे, सभी की संयोजकता जब पूर्ण हो जाएगी तो आवंद बनेंगे। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन के बीच एक आवंद बनता है, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पे 2 आवंद बन जाएंगे, बनेगा क्या, तो ये एक, ये हाइड्रोजन यहाँ द्विआवर्त आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। ये इस प्रकार यौगिक बन जाएगा, कौन सा? प्रोपीन। बात समझ में आई? ऐसे ही आप यहाँ एन का मान चार रख कर निकाल सकते हो, जो यौगिक बनेगा उसका नाम आएगा ब्यूटीन। ठीक है, और सूत्र आएगा C4H10, C4H10। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 रखोगे, सॉरी C4H8 आएगा, और यहाँ पे 5 रखोगे तो C5H10 आएगा उसका। अगर 5 रखोगे तो, अगर 6 रखोगे तो C6H12 आएगा, अगर 7 रखोगे तो C7H14 आएगा। ठीक है, नाम क्या पढ़ेंगे? मीथ इसमें पॉसिबल नहीं है, एल्कीन में तो मीथेन नहीं आता, इथीन से शुरू होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। बात समझ में आएगी? तो ये होगा भाई क्या, एल्कीन का। अगर हम देखें क्या एल्काइन, तो एल्काइन की बात करते हैं आप, एल्काइन में देखो, एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन का साधारण सूत्र क्या होता है, CN, एल्काइन का साधारण सूत्र होता है CN H2N minus 2, CN H2N minus 2। अब यौगिक क्या बनेंगे, ये भी याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच त्रिआवर्त होता है। एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआवर्त होगा। अब CnH2n-2 साधारण सूत्र हो गया, अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो आएगा C1H2 into 1 minus 2। अब क्या आया, C1 2 2 में 2 गया, CH 0 हो गया ना, तो CH 2 2 minus 2, तो ये तो कुछ आया ही नहीं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब है एल्काइन में भी कार्बन संख्या 1 रखने पर जो यौगिक निकल के आएगा वो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है इसमें जो ये मीथ वाला है ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम 2 रख के देखें, वैसे भी हम बता चुके हैं कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिआवर्त होता है, और कार्बन कार्बन के बीच त्रिआवर्त तभी आ सकता है जब 2 कार्बन आएंगे, अकेले कार्बन में तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं 2 रखता हूं, किसका, एन का मान, तो C2 यहां रखो, एन का मान 2 2 गुणा 2 माइनस 2, ये होगा, तो क्या आया C2 2 दुनी 4 में 2 गया C2H2। क्या ये पॉसिबल है, तो लो देखते हैं कितने कार्बन है, कार्बन है 2, और किसमें है, एल्काइन में, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, त्रिआवर्त आएगा, तो लिख लो जितने कार्बन है, CC 3 आवर्त लगाएंगे, ये हो गया। अब इसकी संयोजकता पूरी करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी और इसकी भी पूरी, इसका मतलब है संतुष्ट है, तो पॉसिबल है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, अब एल्काइन में है तो नाम पड़ जाएगा इथाइन, ठीक है, IUPAC नेम है, IUPAC नेम इथाइन। 2 वाले कार्बन यौगिक का, एल्काइन में 2 संख्या वाले कार्बन यौगिक का नाम है इथाइन, अगर हम 3 रखेंगे तो बनेगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, अगर 4 रखोगे तो बनेगा ब्यूटाइन, 5 रखोगे तो बनेगा पेंटाइन। बात समझ में आएगी? तो ये IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम है इथाइन, लेकिन इसको साधारण, इसका जो नाम है साधारण भाषा में इसको बोलते हैं हम एसिटाइलीन, याद रखना एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। जैसे इथीन को बोला था इथाइलीन, ऐसे ही इथाइन को बोला जाता है एसिटाइलीन। बात समझ में आएगी? अब थोड़ा सा जनरली, थोड़ा मोटा मोटा सा एक बार ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं। तो हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़े, जो भी हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े भाई, क्या क्या पढ़े हमने, देखो एक तो हमने पढ़ा भाई संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक पढ़ा भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में देखो, संतृप्त और इसमें ये थे 2 प्रकार के, असंतृप्त में थे ना 2 प्रकार के,
संतृप्त में तो आ गया भी एल्केन, क्या नाम था उनका, एल्केन, और असंतृप्त में दो बन गए क्या क्या, एल्कीन तथा एल्काइन, एल्कीन तथा एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त को बोला जाता है एल्केन और असंतृप्त में होते हैं दो, एल्कीन तथा एल्काइन। जनरल सूत्र क्या होता है, जनरल सूत्र किसका, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और इसका CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्वियाबंध होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रियाबंध होता है। ठीक है भाई, अब जैसे हम देखें एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्वियाबंध, कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध। ठीक है, इसमें कार्बन संख्या एक, एन का मान एक रखने पर जो आता है वो बनता है मीथेन, मीथेन यहां पॉसिबल नहीं है, कार्बन संख्या एक वाला यौगिक यहां पॉसिबल नहीं है। जो कार्बन संख्या दो वाला आता है इसमें उसका नाम पड़ेगा इथेन, और इसमें आता है इथीन, इथीन, और इसमें नाम पड़ा था इथाइन। बात समझ में आएगी। ऐसे ही अगर हम रखेंगे तीन तो प्रोपेन, इसमें आएगा प्रोपीन, इसमें आएगा प्रोपाइन। ठीक है भाई, ये आईयूपीएसी नेम है, इनके जो साधारण नाम है वही आईयूपीएसी नेम है। इनमें साधारण नाम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, इसमें भी साधारण नाम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग है। संरचना मैं आप लोगों को कैसे करनी है वो बता चुका हूँ, संरचना करनी पेपर में आती है। इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, इसमें भी बताई थी कि समावयव होते हैं, समावयव मतलब ऐसे यौगिक जिनका साधारण सूत्र एक समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। देखो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री भी वही दो तीन तरह की है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बनिक यौगिक जैसे H2SO4 है, इसमें जो सूत्र बन गया तो एक ही यौगिक बनेगा बस, इसका जो सूत्र है यही सूत्र है, इससे कोई दूसरा यौगिक नहीं बन सकता, उसकी दूसरी संरचना नहीं बन सकती। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे हमने इसमें बात करें, किसी का सूत्र है C5H10, इसका ये सूत्र है, इसमें इसकी संरचना अलग अलग तरीके से बन सकती है। जैसे मीथेन में मैंने बताया था, एल्केन में C5H12, मतलब ये था पेंटेन, पेंटेन में इसकी संरचना तीन तरीके से बन सकती है, एक तो नॉर्मल पेंटेन आ था लंबी श्रृंखला, एक कार्बन को हमने तीसरे कार्बन पर लगा दिया था वो संरचना निकल के आई थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही सूत्र से अलग अलग संरचनाएं बन सकती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक ही फॉर्मूला है और उसका एक ही संरचना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही सूत्र से अलग अलग संरचना बन सकती है। ठीक है भाई, ये अब नामकरण कैसे करना होता है, देखो एक पहले ये जान लो कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब समूह, अल्काइल समूह क्या होता है। देखो ये जो एल्केन है, इनमें से इनके सूत्र में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो बनेगा ना वो बन जाएगा अल्काइल समूह। जैसे आपके पास है CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, इसकी संरचना क्या है CH4 की, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन चलेगा, ये चलेगा, अब ये जो चीज बनी है ना ये बनेगा अल्काइल समूह और इसका नाम पड़ेगा मिथाइल। ठीक है ना, मिथाइल, क्योंकि मीथेन से बना है तो मिथाइल। अगर मान लो आप लोगों के पास C2H6 है, C2H6 ये है, अब इसकी संरचना क्या है, ये है H और H, इस प्रकार से। अब इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, ये चला गया, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद इसका सूत्र क्या बन जाएगा भाई, CH3, ये जरूर लगाना है, ये इस साइड लगाओ, इस साइड, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा बनेगा C2H5। ठीक है,
तो ये जो जो डैश आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये डैश का मतलब है कि इसका एक जो आबंध है वो फ्री है और वहीं से ये किसी दूसरे यौगिक के साथ जुड़ सकता है। ऐसे भी इससे इसमें भी एक आबंध फ्री है और ये किसी के साथ जुड़ सकता है। तो ये बना मिथाइल ग्रुप, ये बना इथाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो अल्काइल समूह में बदल जाएगा, और वो अल्काइल समूह कौन सा होगा वो तो उसके वही संरचना या उसमें कार्बन संख्या पर निर्भर करेगा। जैसे इसमें कार्बन संख्या एक है तो मिथाइल बनेगा, अगर इसमें कार्बन संख्या दो है तो इथाइल, अगर कार्बन संख्या तीन है तो प्रोपाइल समूह। ठीक है, बात समझ आएगी। अब मान लो आप लोगों ने किसी का नामकरण करना है, जैसे ये एक लंबी श्रृंखला है, अगर ऐसे लंबी श्रृंखला दे रखी है बस, तो सीधा सा नाम पड़ेगा, कार्बनों को काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, पांच में और एक कोलाबंद है सारे तो पेंटेन, और कहीं पे द्वियाबंध है तो पेंटीन, कहीं पे त्रियाबंध है तो पेंटाइन। लेकिन मान लो कहीं पे साथ में ये श्रृंखला लिखी हुई है और एक ये लगा हुआ है साथ में, अब इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो, अब हम कार्बन जो मुख्य श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, इसको काउंट करेंगे, इसमें कितने कार्बन है वो काउंट करना, यहां से काउंट कर सकते हो, यहां से काउंट कर सकते हैं, यहां से भी काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये काउंट कर सकते हैं। इसको काउंट नहीं करना, हमने मुख्य श्रृंखला को नाम देना है, ये तो एक अलग से जुड़ने वाला समूह हो गया, अल्काइल समूह हो गए। तो अब क्या ये ऐसे नंबरिंग करना, ऐसे नंबर देना ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम इसको, इस कार्बन श्रृंखला को नंबर देंगे उसी साइड से जिस साइड से ये समूह नजदीक पड़ेगा। अब इस साइड से तो देखो चौथे कार्बन पे पड़ा है, और इस साइड से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे पड़ेगा, देखो एक दो तीन चार पांच, तो दूसरे कार्बन पे पड़ा ना, तो मतलब जिस साइड से वो नजदीक पड़े, मतलब नजदीक हो, जैसे अल्काइल समूह दूसरे कार्बन पे है इस साइड से, और इस साइड से देखते हैं तो चौथे कार्बन पे है, तो जिस साइड से वो सबसे नजदीक का होगा उस साइड से हमने काउंटिंग शुरू करनी है, तो इस साइड से काउंटिंग शुरू होगी इस टाइम, ये बात याद रखना। अब क्या होगा, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल समूह लगा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, टू मिथाइल और पेंटेन, ये इसका नाम पड़ेगा, टू मिथाइल पेंटेन, बात याद रखना। टू का मतलब है कि दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ, मिथाइल समूह, क्योंकि एक ही कार्बन है, और क्या थी, पेंटेन, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम इस पे लगा दें तीसरे कार्बन पे, अगर हम ये अल्काइल ग्रुप इस पे लगाएं, तो अब नंबरिंग कहां से करनी है, अब किसी भी साइड से कर लो, क्योंकि भाई ये तीसरे कार्बन पे ही आना है, इस साइड से नंबर दे सकते हो, इस साइड से भी दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जैसे ये एक कार्बन होता, एक और होता, एक दो तीन चार पांच छह होते, अब इसको यहाँ लगाओगे तो इधर से नंबरिंग करनी है, अगर इधर लगाओगे तो फिर भी इधर से ही करनी है, समझ गए, क्योंकि एक दो तीन तीसरे पे पड़ेगा, इधर से करोगे एक दो तीन चौथे पे पड़ेगा, ये तो इधर से करनी पड़ेगी, जिस साइड से नजदीक हो अल्काइल समूह उसी साइड से हम उसकी काउंटिंग करते हैं, और उसको पहले लिखना पड़ता है टू मिथाइल पेंटेन, अगर यहाँ इथाइल होता तो टू इथाइल पेंटेन। ठीक है भाई, ऐसे होता टू इथाइल पेंटेन। अब मान लो यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड ये, तो ये होता पेंटीन, अगर यहाँ पे होता ट्रिपल, तीन बॉन्ड तीन आबंध, तो ये नाम पड़ता भाई पेंटाइन। ठीक है, आचरण में आएगी, इस प्रकार इनका नामकरण होता है। ठीक, तो ये थे भाई क्या हाइड्रोकार्बन, जिनमें हमने पढ़ा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन समाप्त होगा, क्योंकि मैंने बताया था कार्बन के यौगिक छह प्रकार के होते हैं, जिनमें एक हाइड्रोकार्बन भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक होता है हेलो एल्केन, तो उन छह में से हमारा एक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।